नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आज की वीडियो भी बहुत ही शानदार होने वाली है। महिंद्रा का बिल्कुल नया यूवो टेक प्लस 275 और कंपैरिजन वीडियो होगी। इसका कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा के ही 275 एक्सपी प्लस से। ये वीडियो देख के आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो वीडियो में आप देखते रहिए, डिज़ाइन देखिए, दोनों के अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगे आपको। अगर शानदार डिज़ाइन कंफर्टेबल ट्रैक्टर लेना है तो आप टेक प्लस की तरफ जाइए, अगर वो आपको नहीं चाहिए कुछ पैसे बचा के आप एक्सपी प्लस की तरफ जा सकते हैं। तो गौर से ध्यान दीजिए मेरी बातों पे, मैं टेक प्लस और एक्सपी प्लस कह के ही आपको बताऊंगा। आगे के टायर की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टरों में आपको आगे के टायर 616 के कंपनी दे रही है और उसका भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखते रहिए आप, 616 के ही आपको इसमें मिलेंगे। छोटे ट्रैक्टर हैं तो दोनों में सेम टायर मिलेंगे। इस प्रकार से नॉन एडजस्टेबल एक्सल मिलेगा, स्पैंडल देख लीजिए, ड्यूल एक्टिव आपको ट्रैक्टर में पावर स्टेयरिंग मिलेगा और कुछ वेट भी आपको कंपनी फिटेड लगा लगाया मिलेगा। एक्सपी प्लस में टेक प्लस की देख लीजिए, स्पैंडल देख लीजिए, ड्यूल एक्टिव पावर स्टेयरिंग मिलेगा, नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट एक्सल मिलेगा और थोड़ा वेट आपको टेक प्लस में भी कंपनी दे रही है। डिज़ाइन शानदार है टेक प्लस का और ये पुराना डिज़ाइन है, काफ़ी किसान भाइयों को ये भी पसंद है। और अगर दिखाएं तो आपको देखते रहिए, इंजन देख लीजिए, 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा आपको ट्रैक्टर में, 37 HP का ट्रैक्टर है, 2000 RPM बोस का पंप मिलेगा आपको ट्रैक्टर में, 2235 CC का इंजन मिलेगा आपको एक्सपी प्लस में, सिंगल फिल्टर दिया है कंपनी ने ट्रैक्टर में, 275 की ब्रांडिंग, 6 साल की वारंटी मिलेगी आपको ट्रैक्टर में और फ्यूल कैपेसिटी ढक्कन की सेफ्टी के साथ मिलेगी 48 लीटर की। ड्राई टाइप एयर क्लीनर मिले, 3 स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर मिलेगा और सलेंसर आपको बॉडी के अंदर मिलेगा। अब टेक प्लस की बात करें तो इसमें भी आपको 6 साल की वारंटी कंपनी दे रही है। बोनट खोल के दिखाऊँ तो इस लीवर को खींच के आप आसानी से बोनट को खोल पाएंगे, पुराने तरीके से ही बोनट खुलेगा। काफ़ी किसान भाइयों को पसंद है, काफ़ी को नहीं, इसका भी आगे की तरफ ऐसे ही खुलेगा इस लीवर को ऊपर करके। इंजन की बात करें तो ये भी 37 HP का मिलेगा आपको ट्रैक्टर में, 2100 RPM, इसमें भी 2235 CC का इंजन मिलेगा, 3 सिलेंडर इंजन है। पिछली वीडियो में मुझे पता नहीं था तो किसान भाइयों से मैंने पूछा था, उन्होंने कमेंट करके मुझे बताया है, ये कमेंट आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं। ड्राई टाइप का एयर क्लीनर मिलेगा आपको इसमें, ये कंपनी ने सिस्टम दिया है, फिल्टर चोक होने पे आपको डैशबोर्ड पे पता लग जाएगा। कूलेंट बॉक्स आपको आगे की तरफ मिलेगा, बड़ा रेडिएटर और रेडिएटर के आगे आपको एक जाली मिल जाएगी तो ताकि रेडिएटर में कचरा वगैरह ना फंसे, तो ये सुविधा भी कंपनी ने दी है। और अगर दूसरी तरफ से दिखाऊँ तो आपको 2 फिल्टर मिलेंगे आपको ट्रैक्टर में, पावर स्टेयरिंग के लिए अलग और हाइड्रोलिक के लिए अलग। ये हाइड्रोलिक पाइप और हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, बड़ा ऑयल फिल्टर मिल रहा है। साइड में आपको ट्रैक्टर में बैटरी मिलेगी, बाहर आपको साइड में सलेंसर मिलेगा, जाली लगी हुई है, बाई चांस हाथ लगे तो हाथ ना जले। उसमें अगर जूम करके दिखाऊँ तो उसमें भी आपको 2 पंप मिलेंगे, पावर स्टेयरिंग के लिए अलग और हाइड्रोलिक के लिए अलग। बैटरी साइड में, बैटरी के पीछे आपको फिल्टर मिल जाएगा, सेम फिल्टर मिलेगा जो इस ट्रैक्टर में मिल रहा है। अगर बोनट को बंद करके दिखाऊं तो आपको बस हल्के धक्के से ही ये बोनट बंद हो गया। अगर इसमें दिखाऊं तो ये देख लीजिए आप, पास से 2 पंप मिलेंगे और ये हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर हो गया। प्लेटफॉर्म आपको इस प्रकार से मिलेगा, अगर मैं एक मिनट दूसरी तरफ से दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से, सिंगल फुटस्टेप के साथ आप प्लेटफॉर्म पे चढ़ पाएंगे। प्लेन प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, पुराने टाइप का ट्रैक्टर है तो ऐसा ही मिलेगा मेरे किसान भाइयों। डैशबोर्ड आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको सभी मीटर मिल जाएंगे और पुराने टाइप से ही आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। सादा ट्रैक्टर है तो ज़्यादा नहीं मिलेगा फीचर आपको, स्टेयरिंग पर आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। सेंटर गियर के साथ ये ट्रैक्टर आता है मेरे किसान भाइयों, 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे, कॉन्स्टेंटेट मैक्स गियर बॉक्स मिलेगा आपको ट्रैक्टर में, ऑयल ब्रेक मिलेंगे आपको ट्रैक्टर में, सिंगल क्लच मिलेगी, एक्सलेटर पैडल रेस आपको पैर के पास में ही मिल जाएंगे, पीसी लीवर डिस लीवर हाथ के पास में मिल जाएंगे और ये हैंड ब्रेक चाहे पार्किंग गियर आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। पीटीओ लीवर ये रहा हाथ के पास में और हाई लो लीवर ये रहा सीट के
नीचे हाई लो न्यूट्रल करेंगे तब भी ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। प्लस लोहे का टूल बॉक्स मिलेगा मेरे किसान भाइयों आपको ट्रैक्टर में, MKM का स्टिकर मतलब माइलेज का मास्टर। कंपनी कहती है काफ़ी किसान भाइयों को विश्वास भी है। 12 वोट की आप चार्जिंग मिलेंगी और फ़ोन इस डब्बे में आप रख सकते हैं सेफ्टी के साथ। तो ये फीचर भी हर कंपनी अपने हर ट्रैक्टर में देने लग गई है। अब टेक प्लस की तरफ चलते हैं, इसमें भी सिंगल फुट स्टेप के साथ आप चढ़ सकते हैं। प्लेन प्लेटफॉर्म मिलेगा, इसमें भी लोहे का टूल बॉक्स मिलेगा आपको ट्रैक्टर में। काफ़ी कंफर्टेबल ट्रैक्टर है और इसमें आपको 60 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी भी मिल जाएगी। तो फ्यूल कैपेसिटी बड़ी मिल रही है आपको ट्रैक्टर में। शानदार आपको ट्रैक्टर में डैशबोर्ड मिलेगा, छोटा स्टेयरिंग मिलेगा आपको एक्स प्लस के मुकाबले में, और स्टेयरिंग पे महिंद्रा का लोगो भी आपको मिल जाएगा। सारे बटन स्विच एक जगह दे दिए हैं तो ये भी ठीक है मेरे किसान भाइयों। ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर मिलेंगे। फुल्ली कॉन्स्टेंटेट मैक्स गियर बॉक्स मिलेगा मेरे किसान भाइयों। PC लीवर DC लीवर हाथ के पास में, हैंड ब्रेक पार्किंग गियर थोड़ा स्टाइलिश दिया है कंपनी ने ट्रैक्टर में। ऑयल ब्रेक मिलेंगे आपको ट्रैक्टर में। एक्सलेटर पैडल रेस सेम जगह पर मिल जाएगी। सिंगल क्लच ट्रैक्टर है मेरे किसान भाइयों। ये प्लेन प्लेटफॉर्म है, खुला प्लेटफॉर्म है मेरे किसान भाइयों। आप कैसे भी आराम से बैठ सकते हैं। हाई लो मीडियम गियर आपको दूसरी साइड में मिल जाएगा, तभी तो ट्रैक्टर में मेरे किसान भाइयों 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स गियर मिलेंगे। PQ लीवर आपको हाथ के पास में ही मिल जाएगा। तो कंफर्टेबल के मामले में ये ट्रैक्टर बहुत ही शानदार है XP प्लस के मुकाबले में। और सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं इस लीवर से। तो ये फीचर आपको दोनों ट्रैक्टरों में मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों। अब ट्रैक्टर को मैं आपको पीछे से दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए। ये कुछ और ट्रैक्टर भी यहाँ पे खड़े हैं, एक मिनट। ये पीछे की तरफ आ गए हैं मेरे किसान भाइयों। ये टेक प्लस है, 13 के टायर मिलेंगे आपको ट्रैक्टर में। दोनों ही में आपको 13 के ही टायर प्रोवाइड करवा के दे रही है कंपनी। मजबूत लिंकेज मिलेगी, 1500 kg की हाइड्रोलिक पावर मिलेगी ट्रैक्टर में। कंपनी फिटेड हुक मिलेगा, काफ़ी एडजस्ट भी आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। और मजबूत टॉपलाइन मिलेंगी, डबल सेंसिंग के साथ ये आता है। आप अपनी मिट्टी के हिसाब से सेंसिंग को सेट कर सकते हैं। डबल सेंसिंग पॉइंट भी दिए हैं। MTEC हाइड्रोलिक मिलेगी आपको टेक प्लस में। सिंगल ट्रॉली पाइप मिलेगी आपको ट्रैक्टर में। एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो रिफ्लेक्टर, बोतल स्टैंड, और यहाँ से आप ट्रॉली स्टेशन में लाइट कनेक्शन भी ले सकते हैं। छोटी लाइट मिलेगी आपको रात को अंधेरे में पीछे देखने के लिए। मजबूत हैवी एक्सल मिलेगा, प्लेंट्री एक्सल कंपनी ट्रैक्टर में दे रही है मेरे किसान भाइयों। तो ट्रैक्टर की दुनिया में मजबूत एक्सल इसको माना जाता है। और मैं आपको मेन चीज़ दिखाऊँ तो, एक मिनट, ये SFC प्लेट है मेरे किसान भाइयों ट्रैक्टर की। पहले आप नाम देख लीजिए, टेक प्लस 275। मैक्स PTO पावर आपको 25 की मिलेगी, ओरिजिनल PTO पावर आपको 33.5 की मिलेगी, और ट्रैक्टर में 252 की SFC मिलेगी। मॉडल देख लीजिए, 9वां महीना साल है 2022। अब मैं आपको XP प्लस की भी दिखाऊंगा, एक मिनट। ये XP प्लस खड़ा है, आप पहले नाम देख लीजिए, ऊपर की तरफ लिखा हुआ है 275। और इस ट्रैक्टर में आपको 24.5 की PTO पावर मिलेगी, ओरिजिनल PTO पावर 32.9 की मिलेगी, और 256 की आपको SFC 9वां महीना साल है 2022। तो ये आपने देख लिया मेरे किसान भाइयों। इसमें भी आपको रिफ्लेक्टर, बोतल स्टैंड और ट्रॉली ट्रेसर के लिए आपको यहाँ से लाइट कनेक्शन मिल जाएगा, और मजबूत ही आपको टॉप लाइन मिलेगी। और इसमें भी आपको MTEC हाइड्रोलिक कंपनी प्रोवाइड करवा के दे रही है। सिंगल ट्रॉली पाइप मिलेगी आपको ट्रैक्टर में, कंपनी फिटेड। मजबूत टॉप लाइन मिलेगी आपको ट्रैक्टर में, कंपनी फिटेड। और ये देख लीजिए, अगर आपको दिखाऊं तो डबल सेंसिंग पॉइंट, अपने एरिया की मिट्टी के हिसाब से सेम ग्रह पे जुताई कर सकते हैं। हुक आपको डीलर लगा के देगा। मजबूत लिंकेज मिलेगी, 1480 kg की हाइड्रोलिक पावर, और इसमें भी आपको मजबूत स्ट्रेट एक्सल मिलेगा ट्रैक्टर में। उसमें प्लेंट्री एक्सल मिल रहा है। बड़ी लाइट मिलेगी आपको ट्रैक्टर में रात को अंधेरे में चलाने के लिए। लोहे का आपको ट्रैक्टर में टूल बॉक्स मिलेगा। तो मेरे किसान भाइयों, दोनों ट्रैक्टर लगभग सेम है। टेक प्लस में आपको प्लेंट्री एक्सल मिलेगा, इसमें आपको स्ट्रेट एक्सल कंपनी दे रही है। कंफर्टेबल के मामले में टेक प्लस ज़्यादा अच्छा है। तो सारे फीचर मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें आपको कंपनी फिटेड हुक बम्पर मिलेगा, और
एक्सपी प्लस में आपको डीलर लगा के देगा। तो ये अंतर हो गया। अब ट्रैक्टर के सारे फीचर आपको मैं दोबारा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो थोड़ा गौर से सुनना मेरे किसान भाइयों। दोनों ही ट्रैक्टर आपको 37 HP में मिलेंगे। XP प्लस में आपको 32.9 की PTO पावर मिल रही है और टेक प्लस में आपको 33.5 की PTO पावर मिल रही है। दोनों में ही आपको 2100 RPM मिलेंगे। दोनों में ही 2235 cc का इंजन मिलेगा और दोनों ही आपको 3 सिलेंडर इंजन के साथ मिलेंगे। XP प्लस में आपको 136 Nm का टॉर्क मिलेगा और 146 Nm का टॉर्क मिलेगा आपको टेक प्लस में। XP प्लस में आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर मिलेंगे और टेक प्लस में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिलेंगे। पार्शियल कॉन्स्टेंटेट मैक्स गियर बॉक्स मिलेगा आपको XP प्लस में और फुल कॉन्स्टेंटेट मैक्स गियर बॉक्स मिलेगा आपको टेक प्लस में। सिंगल और ड्यूल क्लच का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। XP प्लस में सिंगल क्लच मिलेगी आपको, टेक प्लस में। दोनों में ही आपको ऑयल ब्रेक मिल जाएंगे मेरे किसान भाइयों और 1480 kg के हाइड्रोलिक पावर मिलेगी आपको XP प्लस में और टेक प्लस में आपको 1500 kg की हाइड्रोलिक पावर मिलेगी। 48 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी आपको XP प्लस में और टेक प्लस में लगभग 60 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी। दोनों में ही आपको 6 साल या 6000 घंटे की वारंटी मिलेगी। प्राइस मैंने वीडियो में बताना मेरे किसान भाइयों बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे शहर के जो एजेंसी वाले हैं वो एतराज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस होते हैं और किसान भाई फ़ोन करके परेशान भी बहुत करते हैं, इसलिए प्राइस बताना बंद कर दिया है। ये जानकारी ना दे पाने की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं मेरे किसान भाइयों। और कुछ समय पहले मैंने 275 XP प्लस और 275 UVO का कंपैरिजन भी किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे किसान भाइयों, आप इन दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल पावर खेती को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। काफ़ी सारे किसान भाई वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए ताकि और किसान भाइयों के पास जानकारी जा सके। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो, नए ट्रैक्टर, नई जानकारी के साथ।